कैसे आप लोग लोग टट्टो 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 लोग लोग टट्टो 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 सो हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल के मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे फ्री फायर में आने वाले अपकमिंग अपडेट्स के बारे में, जैसे हमारे इस वीडियो का मेन टॉपिक होने वाला हमारे नेक्स्ट अपकमिंग इंक्यूबेटर के बारे में। एंड दोस्तों आप लोगों को इसके साथ साथ मैं बहुत सारे अपडेट्स दूंगा, जैसे हमारे कुछ न्यू बंडल्स के बारे में और हमारा अप्रैल में जो आप लोगों को प्री ऑर्डर में आइटम देखने को मिलेगा वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं एक एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है विंजो। तो दोस्तों यहां पर आप लोग अपना गेम फ्री फायर खेल के भी मनी अर्न कर सकते हैं। तो यहां पर फ्री फायर का टूर्नामेंट वगैरह चलता रहता है जिससे कि आप लोग पर किल के 40 रुपीज अर्न कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों ने 4 किल कर लिए तो आप लोगों को 160 रुपीज मिल जाएगा दोस्तों। एंड इसी तरह से कॉल ऑफ ड्यूटी का भी चलता है जहां पर आप लोग पर किल का 20 रुपीज अर्न कर सकते हैं। एंड दोस्तों इसमें कई सारे फीचर्स है, जैसे हमारा फैंटेसी लीग, यहां पर आप लोग कई सारी चीजें कर सकते हैं। एंड इसका जो सबसे बड़ा फीचर है वो इसका विंजो स्टोर, जो कि भाई बहुत बड़ा फीचर है। यहां से आप लोग अपने फ्री फायर के डायमंड परचेस कर सकते हैं। मैंने भी इसमें से कई बार डायमंड परचेस किया दोस्तों। एंड यहां पर एक और ऑप्शन है जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर, जहां पर आप लोग अपनी टीम क्रिएट कर सकते हैं। एंड दोस्तों मेरे को जो इसका सबसे बेस्ट पार्ट लगा वो है इसका प्रमोशन वाला सेक्शन, जहां पर आप लोग डीजे अलोक विन कर सकते हैं छोटे मोटे इजी गेम खेल के। एंड दोस्तों आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना। सो अब बढ़ते अपने सबसे पहले अपडेट की तरफ, जो कि हमारे अप्रैल के इलाइट पास में आने वाले प्री ऑर्डर के बारे में। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मार्च के इलाइट पास के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं आप लोगों को अप्रैल के इलाइट पास के बारे में बता रहा हूं, जो कि वैम्पायर थीम पे होगा। तो दोस्तों आप लोगों को अप्रैल के इलाइट पास के प्री ऑर्डर में ये आइटम देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं। ये एक पैन का स्किन, एंड देख सकते हैं भाई लेजेंडरी पैन का स्किन है, दिखने में तो काफी ज्यादा ओपी लग रहा है भाई। एंड दोस्तों इसी टाइप का हमारा एक आया था इलाइट पास में पैन का स्किन, वो भी लेजेंडरी था, बट ये उससे भी काफी ज्यादा अच्छा, मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया। आप लोग देख सकते हैं जो हमारा पैन इस पे वैम्पायर बना हुआ है, एंड देख सकते हो इसके ऊपर बैट ही बैट निकल रहे हैं दोस्तों। जो एनिमेशन है इसकी काफी ज्यादा कूल लग रही है, तो आप लोग इसको लोगे या नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो अब बढ़ते इस वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे नेक्स्ट इंक्यूबेटर के बारे में। तो दोस्तों मैं आप लोगों को जो इंक्यूबेटर दिखाऊंगा वही आप लोगों को हमारे इंडियन सर्वर में, हमारे पाकिस्तान सर्वर में, सब सर्वर में यही देखने को मिल जाए। जो आप लोगों को इंक्यूबेटर देखने को मिलेगा उसमें आप लोगों को किस टाइप के बंडल देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं, जो सबसे पहले आप लोगों को बंडल देखने को मिलेगा जो सबसे नीचे होगा वो होगा ये वाला जो ग्रीन कलर का, आप लोग देख ही सकते हैं भाई दिखने में काफी ज्यादा सही लग रहा है। एंड आप लोग देख सकते हैं जो इसका टॉप पार्ट है वो भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड जो इसका पैंट है वो भी काफी सही है दोस्तों। एंड जो शूज है वो एवरेज से है। एंड दोस्तों जो पर्सनली मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो है इसका मास्क, काफी ज्यादा यूनिक है एंड काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी वाला मास्क लग रहा है, मतलब आप लोग कह सकते हो मॉडर्न टाइम का मास्क लग रहा है दोस्तों। देख सकते हो ओवरऑल बंडल काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये है इसका पूरा मेल बंडल, जो कि आप लोगों को सबसे नीचे या आप लोग कह सकते हैं सबसे पहले देखने को मिल जाएगा, सबसे कम इवोल्यूशन स्टोन प्लस सबसे कम ब्लूप्रिंट के साथ। एंड दोस्तों आप लोगों को मैं इसका फीमेल वाला दिखा देता हूं, तो जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं ये इसका फीमेल वाला बंडल है। एंड आप लोग फीमेल वाला बंडल भी देख सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट मेरे को पर्सनली इसका मेल वाला बंडल ज्यादा पसंद आया। इसमें दोस्तों उतनी कुछ ज्यादा एनिमेशन नहीं थी दोनों ही बंडल में, क्योंकि ये सबसे नीचे वाले बंडल थे तो इसमें कुछ ज्यादा एनिमेशन नहीं देखने को मिली। एंड आप लोग देख सकते हैं इसके भी पार्ट्स काफी ज्यादा सही लग रहे हैं, सेम तो दोस्तों वैसे ही बट काफी सही लग रहे हैं। जो फीमेल वाला भी है बंडल वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आप लोगों को एक बंडल चाहिए मॉडर्न टाइप का होना चाहिए तो आप लोग इस बंडल के लिए जा सकते हैं दोस्तों, इस फीमेल बंडल के लिए। तो दोस्तों आप लोग क्या कहते हो इन दोनों बंडल्स के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो बढ़ते अपने नेक्स्ट बंडल की तरफ, जो कि होगा हमारा सेकंड लास्ट बंडल, जो कि हमारे इस इंक्यूबेटर के सीरीज में सबसे सेकंड लास्ट नंबर पे आएगा दोस्तों। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले उसका मेल बंडल दिखा देता हूं, मतलब जो मेल वाला बंडल होगा वो आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, ये है वो ब्लू वाला बंडल। एंड देख सकते हैं इसके ऊपर नंबर 2 लिखा हुआ है, उस पर नंबर कुछ और था दोस्तों। एंड देख सकते हैं काफी ज्यादा सही लग रहा है। एंड इसमें हैंड में एनिमेशन है दोस्तों, बट उसमें हैंड में एनिमेशन नहीं था, तो ये काफी ज्यादा कूल लग रहा है दोस्तों। एंड ब्लू कलर तो यार पर्सनल मेरा फेवरेट है, तो देख सकते हैं आप लोग काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला बंडल, मतलब जो उस वाले बंडल से काफी ज्यादा अच्छा लगा। एंड आप लोग इसका टॉप पार्ट देख सकते हो, टॉप पार्ट ही दोस्तों सबसे ज्यादा अच्छा है। एंड जो इसका बॉटम वाला पार्ट है उसमें भी आप लोग देख सकते हो थोड़ा बहुत शाइन कर रहा है। एंड जो नीचे शूज है वो तो सिंपल सा ही है, मास्क दोस्तों सेम ही है, बस इसका कलर चेंज हुआ। एंड आप लोग देख ही सकते हैं इसका कैप भी सिंपल सा ही है। ओवरऑल बंडल दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अब मैं आप लोगों को इसका जो फीमेल वाला बंडल है वो
वो भी दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं, ये इसका फीमेल वाला बंडल, एंड ये भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। एंड देख सकते हैं इसमें भी काफ़ी ज़्यादा एनिमेशन का यूज़ किया गया है, एंड देख सकते हैं काफ़ी सही लग रहा है ये वाला बंडल। आप लोगों को कैसा लगा ये फीमेल का बंडल ज़रूर बताना। इसका टॉप पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा सही है, एंड जो इसका बॉटम पार्ट है दोस्तों वो भी काफ़ी सही है। मतलब इन्होंने सिर्फ इस पर कलर चेंज किया है, कलर चेंज करने के सिवा कुछ नहीं किया दोस्तों। एंड आप लोग इसका शूज़ भी देख सकते हैं, शूज़ भी सिंपल सही है। एंड जो इसका मास्क है उसमें भी सिर्फ ब्लू एंड वाइट का यूज़ किया गया, और जो पिछले वाले में था उसमें ग्रीन कलर का यूज़ किया गया। एंड ये ब्लू कलर का इसका जो हैट है आप लोग देख ही सकते हैं दोस्तों। तो ओवरऑल बंडल ये दोनों कुछ इस टाइप से देखने को मिलते हैं, जो कि आप लोगों को सेकंड लास्ट नंबर पे देखने को मिल जाएगा हमारे इस इंक्यूबेटर के लिस्ट में। एंड दोस्तों आप लोगों को मैं कुछ दिनों में अपकमिंग इंक्यूबेटर के बारे में बताऊंगा, मतलब ये तो होगा हमारा नेक्स्ट इंक्यूबेटर, अपकमिंग इंक्यूबेटर होगा हमारे वेपन्स पे, तो उसके बारे में भी आप लोगों को मैं बता दूंगा दोस्तों। तो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट बंडल की तरफ, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं, ये है मेल का बंडल। एंड आप लोग देख सकते हैं भाई ये वाला तो बहुत ही ज्यादा ओपी लग रहा है भाई, एंड काफी ज्यादा सही लग रहा है ये बंडल। और देख सकते हैं आप लोग इसमें भी एनिमेशन काफी ज्यादा यूज किया गया है, इसका भी आप लोग फेस मास्क वगैरह सब कुछ देख ही सकते हैं, काफी सही है। एंड आप लोगों को ये ओवरऑल बंडल काफी ज्यादा सिमिलर लग रहा होगा एक फॉर्टनाइट के बंडल के साथ, मेरे को क्योंकि काफी ज्यादा सिमिलर लगा। एंड मैं आप लोगों को अगर इमेजेज मिल जाएगी उसकी तो मैं आप लोगों को वो शो भी कर दूंगा। एंड ये कुछ इस टाइप से बंडल है दोस्तों, एंड काफी ज्यादा सही लग रहा है ये पर्पल कलर में। मैं आप लोगों को दोस्तों इसका जो फीमेल वाला बंडल है वो दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये इसका फीमेल वाला बंडल है, एंड फीमेल वाला बंडल भी काफी ज्यादा सही है इसका, सेम ही बंडल्स है दोस्तों, बस इसमें कलर चेंज किया गया। अगर इनको थोड़ा बहुत एनिमेशन में भी चेंज करते तो काफी ज्यादा सही लगता है ये बंडल और भी। एंड जो इसका फेस का मास्क है वो भी काफी ज्यादा सिंपल एंड यूनिक टाइप का मास्क है, फ्री फायर में ऐसा पहली बार आ रहा है दोस्तों, तो काफी सही लगा। एंड देख सकते हैं ये हमारा पूरा ओवरऑल बंडल जो कि आप लोगों को थर्ड नंबर पे देखने को मिल जाएगा, यही दोनों बंडल आप लोगों को दोस्तों थर्ड नंबर पे देखने को मिलेगा। एंड इस बार दोस्तों आप लोगों को तीन बंडल्स नहीं, मतलब तीन तीन का जोड़ा नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि आप लोगों को चार देखने को मिलेगा, मतलब आप लोग टोटल बंडल कह सकते हो आठ बंडल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो मैं आप लोगों को सबसे जो टॉप पे बंडल होगा वो दिखा देता हूँ। तो आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा सबसे टॉप पे बंडल ज्यादातर रेड ऑरेंज में होता है, तो आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर ये है मेल का बंडल जो कि आप लोगों को सबसे टॉप पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों। एंड देख सकते हैं भाई बंडल दिखने में कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है, इसके तो दोस्तों ऊपर वाले हेड वाले पोर्शन से भी भाई फायर टाइप का कुछ निकल रहा है, काफी ज्यादा इसका मास्क दोस्तों ओपी लग रहा है। एंड भाई ये बंडल बहुत ज्यादा सही है, आप लोग देख सकते हैं इसके पार्ट्स काफी ज्यादा ओपी लग रहा है। जो हमारे दूसरे बंडल्स हैं उसमें कम एनिमेशन था, बट इसमें बहुत ज्यादा एनिमेशन है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं इसके शूज में एनिमेशन है, इसके मास्क में एनिमेशन है, इसके हैंड में एनिमेशन है, सब जगह दोस्तों इसमें एनिमेशन है। एंड अभी दोस्तों इसका फीमेल वाला जो है बंडल वो नहीं मिला है दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों को वो दिखा नहीं सकता, कभी आप लोगों को मैं दिखा दूंगा अपकमिंग अपडेट वीडियो में दोस्तों। तो आप लोग जरूर बताना आप लोगों को इंक्यूबेटर कैसा लगा, एंड ये सारे बंडल्स को आप लोग क्या रेटिंग देना चाहोगे। मैं तो दोस्तों पर्सनली इन सारे बंडल्स को देना चाहूंगा 10 में से 8 पॉइंट्स, क्योंकि मेरे को काफी ज्यादा पसंद आए। एंड अगर आप लोग इसका फीमेल वाला बंडल लेना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड ज्यादा नहीं करूंगा, आप लोग इसके मेल वाले बंडल के लिए ही जाना। एंड दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी सजेशन चाहिए कि मैं अपने सेकंड चैनल पर रैपिड आर्मी में कौन सी वीडियो अपलोड करूं। एंड अगर आप लोगों ने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जाके सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। सो मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय गाइस।